सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं गंगनानी, जो कि भटवारी से आगे जाके पड़ता है, करीब 16 किलोमीटर है और हर्षिल से आई थिंक 30 या 32 किलोमीटर पहले है। और अभी हम जाएंगे वैसे गंगोत्री, लेकिन अभी हम गंगनानी में रुके हैं। तो हमने अपनी बाइक्स देखी है, सारी की सारी यहाँ लगा ली हैं। बहुत ही ज़बरदस्त राइडिंग रही भटवारी से यहाँ तक, क्योंकि रोड बहुत ही मस्त था। हमारे जो ग्रुप के सबसे फास्ट राइडर हैं अंकुर, मतलब गाड़ी आ गई, इधर आ जाओ जी, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं गंगनानी दर्शनों के लिए, तो आइए देखते हैं और आप भी हमारे साथ चलिए। जितना घूमोगे उतना गर्म लगेगा और जितना एक जगह खड़े होगे उतना कम लगेगा, ऐसा होता है। एक दो तीन चार पाँच। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूँ गंगनानी, और गंगनानी में देखिए आप हॉट स्प्रिंग वाटर है, जो कि माँ गंगा मैया की आशीर्वाद से ही यहाँ पर बना है। और ये भी मंदिर भी है ऊपर, तो उन्हीं का स्थान है। तो सभी ने देखिए यहाँ पर स्नान कर लिया है, और मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाता हूँ जहाँ से ये बिल्कुल हॉट वाटर आ रहा है ऊपर से। तो दोस्तों ये जो है, ये सामने आप कुंड देख रहे हैं, ये जो कुंड है इसके अंदर पूरा हॉट वाटर है। और जब भी आप इसमें स्नान करें तो थोड़ा सा पहले अपने आप को एक्लेटाइज कर लें, उसके बाद ही स्नान करें। और ये देखिए आप, बेसिकली ये सल्फर वाटर होता है। और वहाँ ऊपर से देखिए इस तरह से पहाड़ों के अंदर से निकलता हुआ नीचे की तरफ आता है। यहाँ आपको खाने पीने की भी व्यवस्था है। और चलिए अभी चलते हैं माता के दर्शनों के लिए। कुंड से थोड़ा सा जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे दोस्तों, तो आपको जो है देखिए माँ गंगा का स्थान आपको मिल जाएगा। ओम गजाननम भूति गणाति सेवितम कपित जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि रामम रघुवंश सनातनम। बोलिए गंगा महारानी की जय। महर्षि पराशर ऋषि जी थे वेद व्यास जी के पिता। वृद्ध समय में आए पराशर ऋषि, जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत, पर वेद व्यास जी पराशर जी खुश हो गए। नाती ने मेरे बोल दिया, पुत्र ने लिख दिया, अब मैं बुढ़ा शरीर हूँ, गंगा के किनारे जाऊंगा। तो गंगोत्री के लिए पराशर ऋषि आए थे, मार्ग नहीं मिला गंगोत्री जाने के लिए। भाई ये शिला देख लो, ये शिला है आदिकाल की, इस शिला पे राजा पराशर ने भजन किया था और ये गंगा निकाल दी। ये पराशर की गंगा है, वो भागीरथ की गंगा है, चारों धाम में गर्म पानी है। बोल गंगा महारानी की जय। बहुत ही सुंदर। तो महाराज अपना नाम जरूर बताएं। हमारा नाम श्री पीताम्बर प्रसाद पुजारी, यहीं के रहने वाले। यहीं के रहने वाले। बहुत ही सुंदर आपने वृतांत जो है बताया है। तो सबसे पहले दोस्तों दर्शन कीजिए गणेश महाराज के, और उसके बाद आप देखिए ये जो आप शिला देख रहे हैं, तो ये बहुत ही पौराणिक शिला है। उसके बाद देखिए धीरे धीरे, और सामने आप देख रहे हैं श्री पराशर जी की प्रतिमा, बहुत ही भव्य प्रतिमा। और ये गंगा मैया की प्रतिमा, शेरों वाली माता भी यहाँ विराजमान है, उनके सारे रूप विराजमान है। और यहाँ देखिए आप शालिग्राम भी जो है यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर भव्य रूप में शिवलिंग विराजमान है। तो पराशर महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद और माँ गंगा भैया का आशीर्वाद लेने के बाद दोस्तों, मैं जो है अभी आपको कराने जा रहा हूँ भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन। तो आइए शिवलिंग के दर्शन करते हैं और जल चढ़ाते हैं दोस्तों। महादेव, हर हर महादेव। यहाँ ऊपर से जो है झरना गिर रहा है,